तो तीन गिलास है हमारे पास, तीन ही तरह के मिक्सचर है। पहले गिलास में नमक और पानी को मिलाया हुआ है, दूसरे गिलास में आटा जो होता है आपका वो उसके साथ में पानी को मिलाया हुआ है, थोड़ा सा ही आटा है, और तीसरे गिलास में दूध और पानी को मिलाया हुआ है। तीन तरह के मिक्सचर हैं। अब तीनों को समझते हैं, तीनों ही अलग अलग तरह के मिक्सचर हैं आपकी बुक के हिसाब से जो आपको पढ़ाए जाने वाले हैं। सबसे पहला है हमारे पास नमक और पानी का सॉल्यूशन। देखो ये वैसे तो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट दिख रहा है आपको, बट हम लेजर लाइट के यूज से पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इससे लेजर लाइट पास करूं तो क्या आपको लेजर लाइट की पाथ दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही होगी, और दिख भी रही होगी तो बहुत ही हल्की सी दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि पानी में थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज हो सकती है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। ये एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि अगर मैं लाइट को पास करूंगा तो वो सीधी निकल गई, पार्टिकल से टकराई नहीं तो क्या हुआ, डिफ्रेक्ट भी नहीं हुई, और डिफ्रेक्ट नहीं हुई तो उसकी पात भी नहीं बनी। दूसरे केस में हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन है, यहाँ एक आपका पानी और आटे का मिक्सचर। अब अगर इसमें मैं लाइट पास करूंगा तो आपको क्लियरली इसकी पात दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो पानी में साफ दिखाई दे रहे हैं, कि पानी में कहीं ना कहीं लटके हुए हैं वो, है ना। और अगर आप इसको घुमा दोगे तो वो साफ साफ दिखाई देंगे, वरना वो नीचे आके बैठ गए हैं। अगर आपको ढंग से दिखाई दे रहा होगा तो नीचे पात भी देखो कैसे दिखाई दे रही है लाइट की, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है पार्टिकल्स जो है सस्पेंड होते हैं, यानी कि लटके हुए होते हैं। तीसरा है हमारे पास मिल्क सॉल्यूशन। इसमें बिल्कुल ही पार्टिकल्स का साइज छोटा भी नहीं होता और बहुत ही बड़ा भी नहीं होता, जैसे अभी हमारा वीट वाला था। तो इसमें अगर हमें लाइट को पास करूंगा तो क्या होगा, लाइट जो है टिंडल इफेक्ट शो कर रही है, यानी कि बीम जो है लाइट की वो साफ साफ आपको दिखाई दे रही है, और इसको आप नॉर्मली अलग भी नहीं कर सकते पानी से। इसके लिए स्पेशल प्रोसेस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अगर आपने देखा होगा, आप दूध को जब बिलोते हो तो उसमें से घी को निकाला जाता है, मलाई को एक्सट्रैक्ट किया जाता है गर्म करके। तो पार्टिकल्स अलग तो किए जा सकते हैं बट आसानी से नहीं किए जा सकते जैसे इसमें किए जा सकते थे। इसमें क्या हो रहा है, आटा नीचे बैठ गया, आप पानी को ऊपर से छान लो, आटा नीचे अलग आपको मिल जाएगा, इजीली अलग हो जाएगा, बट इस वाले केस में ऐसा नहीं है, और इसको हम कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। तो तीन तरह के मिक्सचर हुए, एक आपका सॉल्यूशन, एक आपका सस्पेंशन, और तीसरा आपका कोलोइडल सॉल्यूशन।